लेडीज एंड जेंटमैन इन मॉड्यूल सिक्सटी फोर्थ वी आर गोइंग टू डिस्कस दर्किंग ऑफ द सोशल इंटरप्राइज सोशल इंटरप्राइज की तरफ अब हम आ गए हमने डिस्कस बहुत सारा कर लिया कि के एक केमिनल डेवलपमेंट कैसे करते हैं अब हम आ गए कि उसको स्ट्रक्चर दे के इंटरप्राइज की शक्ल दें जब तक हम एक शक्ल नहीं देंगे यानी एक प्रॉपर राइटरशिप से एक इंटरप्राइज एक फर्म की शक्ल नहीं देंगे तब तक हम किसी हेरिकल मॉडल में नहीं जाएंगे मैंने कहा कि फॉर्मल से इनफॉर्मल और इनफॉर्मल से फॉर्मल जाना बड़ा ज़रूरी है सो so, इंटरप्राइज़ को आप यूँ समझ लीजिए कि वो एक पहले जो इनफॉर्मल आइडिया ऑफ कम्युनिटी था अब वो इंटरप्राइज़ की शक्ल इख्तियार करेगा वो क्या है जी कि उसमें गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर भी होते हैं फिर कम्यूनिटीज़ होती हैं फिर वो एम्पावर करती हैं फिर मल्टीपल लोकल्स लोकेशंस होती हैं उनको डील करना होता है उनके प्रॉब्लम्स होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को आ, आ, लोगों को एम्पावरमेंट की आ, की जाती है और एम्पावर कैसे करते हैं हेरार्किकल स्ट्रक्चर्स पे बेयरफुट जो है वो कहते हैं ही बिलीव्स दैट सेंट्रलाइज एक्टिविटीज विल नॉट यील्ड बेटर रिजल्ट्स हेंस इन ऑर्डर टू सर्व द दीडियस्ट ऑन देयर डोर स्टेप वेरियस फील्ड सेंटर्स आर क्रिएटेड बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेयरफुट की फिलासफी और वो कहते हैं कि नीडियस्ट को डोर स्टेप पर आने दो मजबूर आदमी जो जरूरतमंद होगा सिर्फ मजबूर नहीं कि जो उसको भूख पड़ी हुई है वो भी नीडियस है जो स्किल का पैशन है जो काम करना चाहता है और जो कुछ करके दिखाना चाहता है वो भी नीडियस्ट है आप उसको अपने डोर स्टेप पे आने दें अगर आपने प्रेफर करना है तो हर उस आदमी को कीजिए जिसके अंदर पर्पस पैशन परफॉर्मेंस हो जिसके अंदर पर्पस की आग है जुनून की आग है जिसे इकबाल जुनून कहता है आग कहता है जिसके पास जुनून और आग है उसको आने दीजिए वो आपके लिए वो वो चूज करेगा जिसको मिराकलस कहते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन मिराकलस इंटरप्राइज वो उस तरफ आपको लेके जाएगा फिर वो ये कहते हैं कि फील्ड सेंटर हैज़ फील्ड फील्ड कैंपस हर का एक खास कैंपस होता है और उसका जो फोकस कैंपस होता है द फील्ड सेंटर हैव अ डिसेंट्रलाइज़ वर्किंग स्ट्रक्चर जब आप बना लेते हैं सेंट्रलाइज अप्रोच तो यह है कि मैंने चला दिया उसके बाद मैंने सबको तकसीम कर दिया हर शख्स अपनी अपनी फोकस फील्ड के अंदर वो काम करके लेकर आएगा और मैं जब उसको कंसोलिडेट करके उसको मैं एक्यूमलेट करूंगा तो वो इक्यूमलेटिव एकटिव यानी मिलाकर और अक्सर लोग स्टैट्स के अंदर एक्यूमलेशन से पूरी जिंदगी घबराते हैं भाई एक्यूमोलेशन का मतलब ये है कि जब मैं सम ऑफ द तो टोटल करूंगा तो उसको एक्मुलेट करेंगे तो सादा सी बात है हम मुश्किल में क्यों जाते हैं याद रखिए टीचर्स को भी कहूंगा स्टूडेंट्स को भी कहूंगा जो आज के स्टूडेंट हैं जो कल के टीचर्स हैं जो स्किल्स वाले हैं जो स्किल सिखाने वाले हैं प्लीज़ कॉम्प्लेक्सिटी से निकलें चीज़ों को मुश्किल मत कीजिए बहुत सारी मुश्किल को आसान करके और सिम्पलिसिटी के साथ लेकर चलिए माशरा जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा आप जितने फलसफी बनने की कोशिश करेंगे फलसफे को समझिए फलसफी बनने की कोशिश ना कीजिए जितना फलसफ़ी बनने की कोशिश करेंगे गिरदाप में फंस जाएंगे और गिरदाप जो है आपको हर चीज़ का इल तो दे देगा लेकिन आप पूरी जिंदगी कुछ नहीं करेंगे आपने अपने इर्द गिर्द में बहुत से ऐसे लोग देख रखे होंगे जिनको तो सब कुछ ही पता था लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया और आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो खामोश रहते थे और बहुत कुछ करके चले गए आगे देखते हैं हमने यहाँ पर देखा कि सोशल इंटरप्राइज का डिवेलप होना यानी एक स्ट्रक्चर का डिवेलप होना यानी सेंट्रलाइज डिसज अप्रोच के साथ चाहे वो सेंट्रलाइज हो या डिसेंट्रलाइज हो उसके अंदर मेजर काम यह है फील्ड और सेंटर और कैंपस फील्ड सेंटर और कैंपस इसके अंदर डिवीजन हो जाए तो आपका सोशल एग्जिस्टेंस के साथ आपका सेंट्रलाइज एंड्राइज कमांड होती है कमांड एंड कंट्रोल एंड ऑपरेशन कमांड कंट्रोल एंड ऑपरेशन ये आपस में सिमुलेट हो जाए सिमुलेट हो जाए और इनके सिंक्रोनाइजेशन हो जाए तो फिर हम एक सोशल इंटरप्राइज बनाते हैं और उस सोशल इंटरप्राइज में इंसेंटिव होते हैं बेनिफिट होते हैं और बेनिफिट फॉर ऑल होता है इंसेंटिव फॉर ऑल होता है प्रिवलेज फॉर ऑल होता है और तरक्की फॉर ऑल होती है और उन सारे के अंदर यानी सब के सब फलाप आ जाते हैं और सब के सब को फ़ायदा मिलता है सिर्फ इंडिविजुअल के नहीं कैमिनल डेवलपमेंट होती है सो so, आज हम इस चीज़ को इस चैप्टर को क्रिमिनल डेवलपमेंट को यहाँ पे कम आ, इसको कंक्लूड करते हुए ये समझते हैं कि सोशल इंटरप्राइज या सोशल आंटरप्रनोरशिप सोशल पार्टिसिपेशन, या प्रैक्टिसिंग आंटरप्रेनोरियल वेंचर्स का मतलब यह है कि बेनिफिट्स फॉर ऑल और हर किसी को लिए फला करनी है और फलाह देनी है आसानी लेनी है और आसानी तकसीम कर थैंक यू वेरी मच